हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी टाइम हो गया है 6:30 पौने 7 का, तो मैं अभी बर्तन वॉश करके लेके आई हूँ। सुबह सुबह बर्तन आज है अमावस्या, तो वो निकालनी है, तो अभी गर्म पानी लेके आई हूँ। तो किचन को क्लीन कर देती हूँ। दूध वगैरह भी लो लिया है, देख सकते हैं, दूध निकाल के लेके आई हूँ। और गाजर रात को नहीं बनाया था हलवा, अभी बनाएंगे। गाजर छील कर रख दी है, इनको ग्राइंड करना है बस। अभी फटाफट से पोछा लगाती हूँ, फिर नहाऊंगी और नहाने के बाद पूजा वगैरह करूँगी जो अमावस की होती है, सब करते हैं पितर देवताओं की। तो बने रहें वीडियो में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गैस को साफ़ कर लेती हूँ, और मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ देने का मन नहीं करता। ठंडा तो क्या, ताज़ी पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने गर्म पानी रखा हुआ था, तो वो बचा हुआ था, तो उसको लेकर आ गई हूँ। और इससे क्या होता है कि स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये भगोना है जो बर्तन वॉश करके लेके आई थी, तो इसमें बनाऊँगी खीर। और जो भी अमावस्या में बर्तन यूज किए जाते हैं, मतलब पूजा के लिए, तो वो सारे ही साफ़ सुथरे होने चाहिए, दोबारा से वॉश होते हैं। रात के समय भी वॉश हो गई थी, लेकिन अभी सुबह सुबह दोबारा से एक बार उनको मांजना पड़ता है, तो वो मैं कर कर लेकर आ गई थी। और हमारे यहाँ पर मैं बाहर बर्तन बैठ कर धोती हूँ, तो पानी दीदी ने गर्म कर दिया था, उसके बाद मैं उठी थी। और अमावस्या मैं ही निकालूंगी, और दीदी दूध भी निकाल कर लेकर आ गई थी। बस दूध की वेट की वजह से ही थोड़ा लेट हो गया था, इसी वजह से, क्योंकि जो हमारी भैंस है वो दूध 6 बजे 6:15 बजे के करीबन देती है, तो उसी टाइम पर मैं उठी थी। और उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुई, फिर बर्तन वगैरह वॉश किए, और फिर मैं अभी किचन को क्लीन कर देती हूँ। और जो भी ये चीज़ें रखी हुई हैं, एक में दूध रखा हुआ है, इसको रात का बचा हुआ था, इसका बनाना था गाजर का हलवा, तो बच्चे भी उठ चुके थे और दिन भी अच्छे से निकल चुका था, आप देख सकते हैं। लेकिन और सभी सोए हुए हैं, दोनों ही उठे थे। अंदर दिखाती हूँ आपको, लाइट ऑफ थी, फोन करके दिखाती हूँ। और मैं नहाने जाऊँगी, बस अभी किचन क्लीन हो चुकी थी, तो मेरी बेटी भी सो रही थी यहाँ पर इस साइड, और उधर मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। तो अभी बच्ची यहाँ पर आ गई थी, तो उनको उठा देंगे और मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े ले लिए हैं, अभी नहाऊँगी और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो बच्चों ने, आप देख सकते हैं, मेरी बेटी को भी उठा दिया है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, एक बार चारपाई पर बैठ जाते हैं, तो इसको जब की जब मतलब चेत हो जाता है और ये उठ जाती है। तो चलते हैं फटाफट स्नान के बाद आपसे मिलती हूँ। पर अभी जल्दी जल्दी और अभी फटाफट इसने खीर चढ़ा देती हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बिछा देती हूँ पूरे किचन में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, ज्यादा नहीं, कोई नहीं खाता मैं इसे। यहाँ पर रख देती हूँ बनाने के लिए। लेकर आती हूँ आटा, आ गई हूँ। लेकिन जो बनाऊंगी अभी, 4 मांडिया बनानी है, तो उसी के लिए आटा लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अभी खाना वगैरह कोई नहीं खाएगी, तो अभी तो दूसरी चाय होगी उसके बाद, ऐसे ही बच्चे, तो थोड़ा सा लगा लेती हूँ, बाद में लगाऊँ, क्योंकि आटा फिर थोड़ा टाइट हो जाता है। बिल्कुल आटा लगाए उसके बाद खाना बनाएं तो उसका मज़ा अलग होता है, अदरवाइज थोड़ा टाइट हो जाता है। इसमें जो चने का आटा होता है ना, इस बार ज़्यादा करवा दिया, तो जो रोटी है वो सख्त आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और जो ये बनता है, इसमें नमक नहीं डलता, तो बिना नमक की रोटियाँ बनेगी, तो इतना इतना सा लगाऊंगी बस, इतना सा। बस अभी लगा देती हूँ मैं।
तो बस मैंने चार मांडियों के लिए आटा लगा दिया था और गर्म पानी में ही लगाया है और इसके थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि जो मांडिया है वो अच्छे से बने। और खीर भी मेरा दूध उबल चुका था, अभी उसके अंदर डाल दूंगी मैं चावल, तो खीर भी बनकर मेरी रेडी हो जाएगी। और तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा लग चुका है, आप देख सकते हैं, और अभी दूध में भी उबाल आ चुका था, तो यहाँ पर मैं दूध के अंदर डाल देती हूँ छोटे चावल। चावल है बिल्कुल, जो होते ना अरे साबूदाने होते हैं उसी तरह के ही, स्पेशली शायद ढोको ये नहीं होता डोसे बनाने के लिए यूज होते हैं वो वाले चावल, बिल्कुल छोटे। खीर के चावल भी देखे हैं लेकिन ये वाले चावल मैंने नहीं देखे थे, बिल्कुल छोटे चावल। देखती हूँ कैसे खीर, पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ कैसी बनेगी। तो सबसे पहले इसको धो लेते हैं, और सब कुछ साफ पानी से ही धोना पड़ता है यहाँ। तो ये मैं धो लिया, और इस गंदे पानी को ऐसे निकाल देते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने खीर चला दी थी और तवा भी गर्म हो चुका था, तो अभी फटाफट से चार मांडियाँ सेक लेती हूँ। और मैं स्लैब के ऊपर ही, अभी काफ़ी दिन हो गए मैं रोटियाँ भी स्लैब के ऊपर ही बनाती हूँ खड़े होकर ही, क्योंकि बैठने से क्या होता है नीचे बहुत ज़्यादा बखेड़ा बिखर जाता है, तो खड़े खड़े बनाती हूँ और स्लैब पर बहुत अच्छे से भी बनती है। तो मैंने आटे के अंदर थोड़ा सा घी लगा लिया था, इससे क्या होता है रोटियाँ बिल्कुल गोल आती है और फुली फुली सॉफ्ट सॉफ्ट आती है। तो ये पितर देवताओं के लिए बना रहे हैं, तो इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है मैं घी यूज करती हूँ। अब ये करने के बाद भी इसके ऊपर घी से अच्छे से इनको चुपड़ूंगी, और उसके बाद घी और थोड़ा सा मीठा भी डालकर रखूंगी और खीर भी, तो उनकी में भोग लगती है। तो यहाँ पर मेरी मांडियाँ बन चुकी थी और अभी मैं क्या क्या लेकर आऊँगी वो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी रोटियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। और बस अभी क्या करना है, रोटियां बन जाएगी तो उसके बाद इन्हें जो साफ जो थाली होती है वो आगे दिखाऊंगी, आप तो वीडियो में बने रहना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको और भी वीडियो देखने को मिलेगी। और मैंने खीर के अंदर शक्कर भी डाल दी है। तो यहाँ पर रोटियाँ तो बन चुकी थी, बस अब फटाफट से स्लैब को साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद कैसे डालती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, तो बने रहना वीडियो में आप भी। तो यहाँ पर जो रोटियाँ बनाई थी उनको मैंने घी लगाकर चुपट दी है, और इसके बाद इनके ऊपर जो भी खीर वगैरह रखनी होती है वो रख दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आटा पड़ जाता है, मतलब जब भी बनाते हैं तो हम, मैंने कपड़े से इसे क्लीन कर दिया है आप देख सकते हैं, और जो भी बर्तन साफ़ किए थे स्पेशली पूजा के लिए। तो एक थाली थी, इस थाली में चार मांडियाँ रख देती हूँ, मैं चार बनाती हूँ, कई लोग छह बनाते हैं, सबका अलग अलग होता है। और एक लोटा होता है, इस लोटे को भी इसी थाली के अंदर रख दूँगी। बस फिर जो घी होता है उसमें दिए में डालकर दो बत्तियाँ डलती है, हमारे दो पितर हैं, जैसे किसी के एक होता है तो एक डलती है, हमारी दो है तो दो डलती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो चुकी थी और प्रसाद मैंने कल ही मंगवा लिया था, तो प्रसाद का भी भोग लगता है। और तो बस मैं यहाँ पर फिर जो भी हमारे देवी देवता होते हैं उनके एक चबूतरा बना होता है, वहाँ पर उन रोटियों को रख कर आगे कुत्ते वगैरह वहाँ पर खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही होता है, और ये प्रसाद मतलब घर में बांट दिया जाता है या बाहर के लोगों को भी बच जाता है तो बांट दिया जाता है। तो बस हो चुकी है पूजा, और अभी थोड़ी देर चाय वगैरह पियेंगे, दूसरी चाय नहीं हुई थी, दीदी ने अपना सारा काम कर लिया है और टाइम अभी 7:30 का हो रहा है। और ये कल के कपड़े थे, आज मशीन अभी नहीं लगाई है, अमावस निकालने के बाद ही मशीन लगाते हैं, तो अभी हस्बैंड उठे नहीं थे और तीनों बच्चे उठ चुके थे, संडे है तो आज स्कूल तो जाना नहीं था, तो ये भी उठ चुके थे और आराम से फ़ोन में लगे हुए हैं। मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, सारे इसके पापा नहीं उठे थे, इसके पापा भी लेट उठेंगे, संडे के दिन वैसे भी लेट उठते हैं। तो अभी मेरा बेटा जिद कर रहा था गाजर के हलवे की,
तो यहाँ पर हमारी दूसरी चाय हो चुकी थी और मैं थोड़ी देर बेटी को लेकर बैठ गई थी। अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर क्योंकि मेरे बेटे को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी। सर्दी है तो झाड़ू पोछा तो मैं लेट करूँगी क्योंकि जिया जी भी सोए हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं, पापा जी भी अंदर बैठे हुए हैं, तो इतना जल्दी झाड़ू पोछा करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो मैं आ गई थी किचन में चाय वगैरह पीने के बाद। दोबारा से मेरा बेटा जिद कर रहा था कब हलवा बनेगा, कब हलवा बनेगा। वो सुबह जल्दी ही उठ गया था तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो यहाँ पर मैं गाजर को अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ जो घिया का सोता है उसमें। तो बस इसे करने में हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैंने 2 किलो गाजर मंगवाई थी, उनमें कुछ छिलके उतर गए और उनमें से मैंने आधा किलो से भी ज़्यादा गाजर रख ली थी, तो मैंने ज़्यादा गाजर नहीं डाली। 2 किलो दूध में करीबन करीबन मैंने 1 किलो के करीबन ही गाजर डाली थी अगर नाप के देखिए तो। और काफ़ी अच्छा बना था, जैसे शादी ब्याह में बनता है उस तरह की हलवा बनाया था। और आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनाया था। और आज मेरी मम्मी भी आई हुई थी, तो मेरी मम्मी आई थी आज यहाँ पर, कोई मतलब पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी तो उनकी बुआ वगैरह है तो उनके साथ यहाँ पर आई हुई थी। तो बस मम्मी भी आएगी, वो लेट आएंगे थोड़े 11-12 बजे के करीबन। और मैंने दूध रख दिया था गैस के ऊपर, दूध गर्म होगा तब तक मैं गाजर को ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैंने गाजर को ग्राइंड कर लिया था और दूध भी मेरा उबलना स्टार्ट हो गया था। तो अभी इनके अंदर मैं डाल दूंगी गाजर। तो आप देख सकते हैं दूध मैंने करीबन 2 लीटर के करीबन लिया है, लेकिन जो ये कढ़ाई थी काफ़ी छोटी थी। पहले चूल्हे पर बनाने का मन था तो चूल्हे पर बनाती, तो हमने 4 लीटर दूध रख रखा था रात का ही और उसमें हम 2-2.5 किलो गाजर डालते, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और आप देख सकते हैं करीबन इतनी गाजर निकली है, मतलब छिलके वगैरह और कुछ मैंने रख ली थी तो ये निकली थी गाजर। ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी, फिर गाजर ज़्यादा डालने से उसमें दूध का स्वाद नहीं आएगा, सारा गाजर का ही स्वाद आता है। तो यहाँ पर गाजर ग्राइंड करनी है और अभी फटाफट से मैं इनको डाल देती हूँ दूध में। और मैं कैसे बनाती हूँ, मैंने आज मतलब वैसे तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना गाजर पाक होता है, ये गाजर का हलवा बना रही हूँ। एक बार तो मेरे मन में था कि गाजर को उबाल कर सीधे ही बिना ग्राइंड किए हुए बनाने की कोशिश कर रही थी, यूट्यूब पर देखा था, लेकिन मैंने सोचा वो बाद में बना दूँगी, आज पहले इस बार बनाती हूँ। तो देखते हैं अभी, वो छोटी कढ़ाई है तो उसके अंदर गाजर डालने के बाद दूध कितना आता है कितना नहीं आता, तो बाद में 2 कढ़ाई के अंदर बनाना पड़ेगा। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, बस 40 से 45 मिनट या 1 घंटा करीबन लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा था। अगर ज़्यादा बनाते तो उसमें 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। थोड़ा था और इसमें मतलब हलवा टाइप से बनाया था, जैसे एक गाजर पाक होता है एक हलवा होता है, अंतर होता है उन दोनों में। लेकिन जो बना था ना रियल में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, गर्म करने के बाद इतना टेस्टी लग रहा था जैसे शादी ब्याह में खाते हैं उसी तरह का। और उसी तरह के उसमें दाने दाने भी हो गए थे, जैसे शादी ब्याह वाले में खोवे के दाने होते हैं उसी तरह के खोवे के दाने हो गए थे। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने गाजर वगैरह डाल दी है, आप देख सकते हैं। और क्या हुआ कि जैसे ही मैंने गाजर डाली तो बिल्कुल ऊपर तक आ गया था, तो मैंने दूसरा जो होता है उसमें डाल लिया है आधा दूध, आधा तो नहीं डाला थोड़ा डाल दिया, मतलब 5-5 गिलास। तो उसमें भी साथ साथ बनता रहेगा, उसमें भी उसमें लगता नहीं है, नॉन स्टिक का है, इसको मैं चलाती रही हूँ बीच बीच में, उसको भी चलाती रहूँगी। और बहुत जल्दी बन गया था 2 में करने के बाद, तो अभी फटाफट से बना लेते हैं और बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कंसिस्टेंटी बनी थी इसकी और कितना स्वादिष्ट बना था, टेस्ट भी कर बताऊँगी, तो बने रहना वीडियो में। गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी जिद कर रही थी घुमाने के लिए, तो मैंने इसको स्लैब पर बैठा दिया था। और आपको दिखाती हूँ आधा मतलब बन चुका है, थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ है, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चीनी, और चीनी डालने के बाद ही इसमें कलर आता है अच्छे वाला। तो अभी तो थोड़ा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन चीनी डालने के बाद इसमें अच्छे वाला कलर आएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भरी हुई थी कढ़ाई दोनों ही, और दोनों ही आधी हो चुकी है। तो बस हमारा गाजर पाक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट और लगेगा। तो भाई आज हमने बनाया है गाजर पाक बच्चों के लिए, और इसके लिए स्पेशल ये कौन है। तो हलवा बन चुका है, और ये शादी वाला हलवा बना है, वैसा नहीं बना गाजर पाक बनाते हैं वो वाला, टेस्ट भी ऐसा ही है, हमने टेस्ट करके देखा था। मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालने वाली थी क्योंकि हमारे बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते, बिल्कुल सेम वैसा ही बना है ये गरम गरम गाजर का हलवा। Yeah.